ये नंबर सीरीज का तीसरा पार्ट है। अगर आपने बाकी के दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देख ले और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 2, 12, 30, 56 और हमें ये फाइंड करना है, तो 2 कैसे आएगा देखते हैं। 1 × 2 12 कैसे आएगा, 3 × 4 30, 5 × 6 56 7 × 8 तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, 9 × 10। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। हो सकता है कि मैंने सॉल्व कर दिया तो आपको आसान लग रहा हो, लेकिन ये आसान क्वेश्चन नहीं है। अगर पेपर में आएगा तो आधे से बच्चे ज़्यादा बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 90। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0, 7, 26, 63, 124 तो ये क्या हो सकता है, 1³ - 1 ठीक है, 2³ - 1 8 - 1 ये क्या हो सकता है, 3³ - 1 जो कि 27 - 1 तो ये हो गया 26। ये 4³ - 1 तो ये कितना हो गया, 64 - 1 63। ये 5³ - 1 तो ये हो गया 124। तो अगला क्या होगा, 6³ - 1 ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई पेपर्स में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो अच्छे से देखिएगा। और बाकी क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे हैं, तो पूरी तरह से संयम बना के रखिएगा। 6³ होता है 216 और -1 तो ये हो गया 215। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2, 9, 28, 65 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट अगर पेपर में आ गया तो सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ये तो मैं लगातार आपको सिखा रहा हूँ तो आसान लग रहा है, लेकिन पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है ठीक है, एक या एक से ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन उस समय सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। चलिए एक को दो को कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। 1³ + 1 2³ + 1 3³ + 1 3³ = 27 + 28 ये हो गया 65, तो 4³ + 1 तो ये हो गया 64 + 1 तो अगला क्या होगा, 5³ + 1 तो 5³ = 125 + 1 126 हमारा आंसर हो जाएगा। 2, 7, 28, 63, 126 और ये हमें फाइंड करना है, तो ये तो देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, 1³ + 1 लेकिन 7 का क्या करें। देखिए यहाँ पे तो चलिए 2³ + 1 करते हैं तब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम लोग 2³ - 1 करते हैं तो हमारा 7 आ जाएगा। फिर यहाँ फंस गए हम, 28 कैसे आएगा, 3³ = 27 होता है तो चलिए +1 कर देते हैं तो हो गया 28। ये 4³ - 1 ±, यहाँ पे क्या होगा, 5³ + 1 ये हो गया 126। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6³ - 1 तो 6³ कितना होता है, 216 -1 215। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 30 तक का स्क्वायर और 10 तक का क्यूब आपको बिल्कुल याद होना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0, 6, 24, 60 0 को कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। 1³ - 1 2³ - 2 3³ - 3 4³ - 4 तो ये क्या होगा, 5³ - 5 तो ये 120 हो जाएगा। देखिए हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आसान लगे, लेकिन पेपर में जब आएगा तो आधे से ज़्यादा बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट अलग है, हर एक क्वेश्चन को अलग तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2, 12, 36, 80, 150 तो 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1³ + 1² कितना हो गया, 2 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2³ + 2² 8 + 4 ये हो गया 12 ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, 3³ + 3² 27 + 9 जब भी मैं क्वेश्चन लिखूँ ना तो आप अपनी कॉपी पे लिख लें और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं तो आपको सॉल्यूशन दूंगा ही दूंगा, लेकिन आप कैसे सोचते हो उस क्वेश्चन को ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
चलिए इसको देखते हैं, 80, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर 64 प्लस 16 80, ये कितना हो गया 5 का क्यूब प्लस 5 स्क्वायर 125 प्लस 25, ये कितना होना चाहिए 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर 216 प्लस 36, 36 प्लस 52, तो कितना हो गया 252। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2, 10, 30, 68 इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 का क्यूब प्लस 1। क्वेश्चन आप पहले लिख लें और खुद से ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, तो ये क्या होगा 5 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब 125 और 5 130, तो 130 हमारा आंसर हो जाएगा, 2, 6, 30, 60, ठीक है, 1 का क्यूब प्लस 1, ठीक है, 2 का क्यूब माइनस 2, 8 माइनस 2, ये हो गया 6, ये कितना होगा 3 का क्यूब प्लस 3, तो ये कितना हो गया 30, 4 का क्यूब माइनस 4, तो ये हो गया 60। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या होगा 5 क्यूब माइनस 5, 125 माइनस 5 120, तो 120 हमारा आंसर हो जाएगा। पाँच पाँच 10, 30, 120, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 से 5 लाना है हमें, 5 × 1 किया 5 आ गया, अब 5 से 10 लाना है, 5 × 2 किया 10 आ गया, ठीक है, 10 × 3 किया 30 आ गया, 30 × 4 किया 120 आ गया, तो अगला क्या होगा 120 × 5। देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में ज़रूर आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो 600 इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, 4, 8, 24, 120, 840, तो 4 से 8 लाना है, 4 × 2 8 हो गया, 8 × 3 24 हो गया, 24 × 5 120 हो गया, ठीक है, 120 × 7 840, तो ये क्या हो गया 2, 3, 5, 7, ये प्राइम नंबर हो गया, तो 840 × 11, 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ से वीडियो देख लें, 0, 0 प्लस 4, 4, 8, 4, 12, 8, 1, 2, 8, 1, 9, 9, 2, 4, 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5, 11, 46, 279, तो ये कैसे आएगा, 5 × 2 + 1, तो ये आ गया 11, ठीक है, 11 × 4 = 44 + 2 = 46, ठीक है, 46 × 6 + ये हो जाएगा कितना होगा 3, तो हमारा 279 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा और 276 आएगा और 273 और ये 279, इसलिए थोड़ा गलती हो रहा था, ठीक है, ये 246 × 6, 276 + 3, 279, तो अगला नंबर क्या होगा 279, 2, 4, 6, तो यहाँ 8 होना चाहिए, 1, 2, 3, तो +4, तो पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है, पैटर्न बनाते हैं फिर उसी के अनुसार उसको फॉलो करके आंसर निकालते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 8, 9, 72, हाथ में 7, 8, 7, 56, 56, 7, 63, हाथ में बचा 6, 8, 9, 16, 6, 22 + 4, तो ये हो गया 2, 2, 3, 6। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 1 × 2, ठीक है, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, तो 1 × 2 और यहाँ 2 आया, तो फिर यहीं से 2 कट दिया हमने, फिर 3, फिर ये 3 यहाँ पे आया, 3 × 4, 4, 4 × 5, 5, 5 × 6, तो ये होना चाहिए 6 × 7, बस आपको पैटर्न निकालना है और उसके अनुसार तो आपका आंसर आ ही जाएगा।
तो अब इसलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको सारे पैटर्न पता रहे। 7 × 8 = 56। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।